मजे करें, रुसा जाना है घरों। और कॉम्बिनेशन है मटर मटन का, महंगे लेकिन बहुत ही जबरदस्त बना है। आज 14 है तो आज माशाल्लाह ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन रात को ज्यादा वाइट था, अब जो है ना वो थोड़ा सा मध्यम सा लग रहा है, और शायद मौसम की वजह से ऐसा है। बच्चे भी आ गए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं। सीरत ज़हरा तो हमारे साथ आई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमेर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या लिया हुआ है? ये अनार और ये जाज। अनार क्यों? ये तो वैसे अच्छी चीज़ नहीं होती। आपने इस्लाम नहीं किया यार, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो ना। और उस साइड पर लाइटिंग मुझे नज़र आ रही, शादी है इस साइड पर किसी की? सामने नज़र आ रही है लाइटिंग हमें, लेकिन थोड़ी सी दूर है। अगर हम इसे जूम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आती है। अब हमें अच्छे से नज़र आ रही है। शहज़ेब और एहसन हमेशा की तरह कोई नया तजर्बा करने लगे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। बिस्मिल्लाह। आगे क्या है ये? पटाखे? और यार बस इतनी सी बात थी। ऊपर जाना था अब नहीं गया। अच्छा आज यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है, और स्पेशल इसमें क्या है कि महानूर खाना बना रही है। हंस क्यों रहे हैं हम लोग? हंस हम इसलिए रहे हैं, एक बड़े से चम्मच के साथ ना महानूर घी निकालने वाली थी और उसका मुंह था छोटा। जब ये इसके अंदर एंटर कर रही थी मैं क्या इस फंस जाऊं। निकाले आप यार, हेल्प। किस चीज की हेल्प? हमारे यहाँ गांव में क्या होता है कि जब कोई ईद आने वाली होती है ना, तब घर की सफाई लिपाई की जाती है, या फिर जब कोई शादी ब्याह हो तब होती है। तो आज की रात शबे बारात की रात है, एक ईद है हमारे स्कूल घर की, जो है वो लिपाई सफाई की गई है, और खाने जो है वो अभी से तैयार हो रहे हैं। ये वाला खाना जो है, क्योंकि संडे है तो बच्चे सभी आए हुए हैं, उनके लिए बन रहा है जी स्पेशल खाना। आजकल सुस्ती वाले दिन आए हुए हैं, और हमारा जॉनी भी सारा दिन सुस्ती का मारा इधर ही पड़ा रहता है। शाम के वक्त ये शरारतें करता है, इसके पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, दिल करे तो ये बाहर भी निकल सकता है, लेकिन नहीं भाई, सुकून करना है इसको। आज संडे है तो आज ये भी संडे ही मना रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बगीचे से जो है ना एक अच्छी खबर आई है, वो है हमारे आंगन का पहला फूल, क्योंकि माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना खूबसूरत फूल होगा पेटोनिया का, क्योंकि मैंने ये वाला कलर नहीं देखा था। मैंने जो देखा था वो था ये जो दूसरा फूल है तो वैसे एक साथ ही खिले। आज सुबह टाइम मैं उठाऊँ तो दोनों फूल खिले हुए थे, जो मुझे खुशी हुई है ना क्या बताऊँ। जो मैंने मेहनत की थी वो रंग लाई, और एक ये है और दूसरा ये वाला रेड एंड वाइट, इनमें से एक और कलर भी होगा, तो इंतज़ार करते हैं मज़ीद। और आज महानूर जो है ना इस साइड पे कुकिंग कर रही हैं, देखते हैं उनकी कुकिंग कहाँ पहुँची। देखिए के ऊपर ईंट आई हुई है, इससे लग रहा है कि दम पे है सब कुछ। और चूंकि आलू वाला पुलाव बनाया जा रहा था इसीलिए बन चुका है और दम लिया जा चुका है। आप सुपरविजन कर रहे हो, आपको दही लेने भेजा था? नहीं, बनाई नहीं उन्होंने। आजकल गांव से दही लस्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जब से हमने बनाना छोड़ा है ना, हमसायों ने भी बनाना छोड़ दिया। ओए इतनी ऊंची छलांग लगाई है उसने। यार ये दरवाज़ा बंद रखा करो यमन और बरका के लिए, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा शरारती हो चुकी हैं। थोड़े थोड़े हमें बादल भी नज़र आ रहे हैं। जाओ मामी से पूछ के दम नहीं उतारना। तो फाइनल कहा गया कि आप दम जो है वो उतार सकते हैं। उस दम जो है ना इसको तगड़े वाला दिया हुआ था, ईंट पूरी 2.5 किलो की ईंट उसके ऊपर रखी हुई है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसका उतारते हैं दम। और ये तो वाइट वाले हैं जी, माशाल्लाह। तो कुछ इस तरह से बना है आलू मटर का पुलाव।
इसमें मेरे ख्याल में हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे। जिस तरह सफ़ेद मटन कढ़ाई थी ना, इसी तरह से ये भी सफ़ेद आलू मटर का पुलाव बन चुका है। खुशबूएं तो माशाल्लाह अच्छी दे रहा है। डिश आउट करके आपको दिखाती हूं। चलें, जैसे दरवाज़ा खुला ये आ गए हैं, और ये इसीलिए आए हैं कि इनकी खुराक मेरे पास है। बासी सब्जी हमें मिली है तो इसको काट के हम जानवरों को डाल रहे हैं। ले क्या हुआ ऐसा बेटा, ये मोबाइल पकड़ना। मज़े से खा रहे हैं गोभी वो। गोभी बासी थी इसलिए हम जानवरों को डाल रहे हैं। और ये सारा यमन और बरका का नहीं है कि इनको कोई मसला ना आओ बन जाए, क्योंकि ये सारा दिन खाते रहते हैं। ये हम जानवरों को डाल देते हैं, मजे करें। आप आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। आलू इतने ज्यादा गांव में हो चुके हैं कि हमारे जानवर भी आलू खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोपहर का खाना जो है वो हमारी टेबल पे लग चुका है। आज ऐसन मेरा पार्टनर है खाने में, और महनूर ने इतने अच्छे से इसको डेकोरेट किया है। प्लेटर, इसको प्लेटर कहा। महनूर कहती है मैं आपको प्लेटर बना के देती हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं कैसा है प्लेटर। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और दिखने में भी ज़बरदस्त लग रहा है। उठाएँ अपना चम्मच और हो जाएँ शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बताइएगा कैसा बना है। मजा आ गया। आलू मटर पुलाव जी। यानी कोई और आया है हमारे घर, और है वो दरवाजे में बैठा है। शिजेब सुनाओ कैसे बने चावल। जबरदस्त। वीआईपी। मम्मी कोई चावल ऐसे होते हैं कि जो देखने में ऐसे ना थोड़ा कमजोर लगते हैं। सभी बच्चे आए हुए हैं, बाकी से तो हमने रात को ही मिल लिया था। अब्दुल हादी की बारी आज है। अस्सलाम वालेकुम। और सब ठीक हो? बहुत दिन हो गए थे अब्दुल हादी से मुलाकात नहीं होती है ना। अब्दुल हादी बड़े कम ही गांव आते हैं, बाकी सारे आते रहते हैं। हुज़ैफ़ा तो गांव ना आए ना तो उसका भाई दिन ही नहीं गुजरता। और आजकल किस पारे पे हो आप? आठवें पे। मुकम्मल नहीं हुआ अभी? अभी आधा हुआ। लास्ट मंथ भी आपका आठवां था ना, इसीलिए। चलें खेलें कूदें मज़े करें। आज दूसरा दिन है हमने अपनी सूरजमुखी को पानी नहीं लगाया। बाकी पौधे भी थोड़े से मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं। मेरे ख्याल में सब्ज़ी को पानी देना भी ज़रूरी है। सब्ज़ी अब रही कहाँ है, सारी हमारे चूज़ों ने ख़राब कर ली। अब बड़े मज़े से पड़े हुए हैं टोकरे के अंदर। और यहाँ पर जो है ना, बहुत ज़बरदस्त हमें एक मशवरा दिया गया है कि आप यहाँ पर बांस लगाएं, एक इस साइड पर एक इस साइड पर, दो दीवार के दूसरी साइड पर, और जाल लगा दें, नेट लगा दें, चाहे बांसों के ऊपर वाली साइड पर लगा दें, फिर जो परिंदे हैं वो बाहर नहीं जा सकेंगे। तो ये सबसे सस्ते वाला है। और उससे अगर थोड़ा सा महंगे वाला हम करते हैं तो फिर हम एक फ्रेम बनवाते हैं लकड़ी का, और उसके गिर्द जाली लगवा देते हैं लोहे की, तो वो भी अच्छी चीज़ है वैसे। लेकिन उससे पहले हम पानी लगाते हैं सूरजमुखी को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और माशाल्लाह दो दो निकल रही हैं। जॉनी कहाँ गया हुआ था आज? अभी ये देखेगा बैठ के कि हो क्या रहा है यहाँ पे। साथ साथ पानी के खेलेगा भी। आज चूजों ने इन पे हमला किया है, बस बच गए हैं, पहुंच आए थे हम। ये वाला तोड़ दिया फिर भी उसने। परिंदे वापस अपने घरों को जा रहे हैं, और कुछ परिंदे जो है ना परमानेंट अब हमारे दरख्तों के बासी बन चुके हैं। जॉनी और मैंने मिलके बाहर वाले पौधों को पानी लगाया है, अब अंदर वाले पौधों की बारी है। और कोई एक पौधा इसने नहीं छोड़ा कि इसने मेरे साथ ना दियो। कहाँ जा रहे हो बैग उठा के? रुसे जाना है घरों और कहते रख रहा हूँ।
आज मौसम माशाल्लाह प्यारा बना हुआ है। यहाँ पर खास खाने की तैयारी हो रही है और जिसमें बनाया जा रहा है जी फिलहाल तो मटर और मटन। ये कौन सा कम्बिनेशन है मटर मटन का। मटर कीमा सुना था, मटर गोश्त सुना था, मटर गोश्त ही कह लेते हैं इसको, लेकिन ये मटर मटन है। रात को शहजेब लोग पटाखे वगैरह बजा रहे थे और मैंने रात को पूछा कि ये पटाखे कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हमारे गांव में मेहंदी थी वो लेके आए थे तो हमने भी उनसे लिए हैं। और वो जो रात को मुझे वो दिखा रहे थे ना मुसारे वगैरह जला के, वो भी सेम उन्होंने उस टाइम मुझसे ये कहा। शबे बारात है तो उस पर जो है ना गाँव में कुछ लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो मैं वैसे अपने व्लॉग से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस्लाम में वैसे इसका कोई तसव्वुर नहीं है पटाखे फोड़ने का। अब तो काफ़ी ज़्यादा वैसे अवेयरनेस आ चुकी है, पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो गांव में खसूसन पटाखे फोड़ते थे, शहरों में भी ऐसे होते हैं। और हमारे यहाँ तो यूँ होता था मुसारे जलाए जाते थे, मुसारा कहते थे कि बड़ी सी लकड़ी पे जो है ना वो कपड़े बांध के उनके ऊपर तेल लगा के आग जलाई जाती थी और बच्चे लेकर गांव में भागा करते थे। तो मैंने वैसे बचपन में भी ऐसे कोई काम नहीं किया, शुरू से ही बाबा जान लोग जो है ना वो कहते थे कि पटाखे जो फोड़ने आना ये शैतानों का काम होता है। और उस रात हमारा ये कॉन्सेप्ट था जो पटाखे फोड़ रहे हैं ना वो शैतान के साथी हैं और हम रहमान के साथी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बचपन में बताया गया था, फिर बचपन से लेकर अभी तक वही कॉन्सेप्ट है कि दो रास्ते हैं शैतान का और रहमान। पटाखे वगैरह फोड़ोगे आज के दिन तो शैतान के रास्ते पे, और अगर आज की रात आप इबादत में गुजारेंगे तो रहमान के रास्ते पे आप जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सभी को रहमान के रास्ते पे जाने की तौफीक अता फरमाए। आज आसमान पे बादल हैं इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं आज की शाम देखने के लिए, और शाम तो वैसे ढल चुकी है लेकिन बादल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं आज। नहीं, सूरज अभी ढल रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा बादलों में है और थोड़ा बाहर है। हमारा शाम का खाना तैयार हो रहा है और मेरे कैमरे को देखकर खाना पकाने वाला बंदा जो है वो गायब हो चुका है। और हमारा छत से अगर फर्श देखें तो लिपाई इतनी खूबसूरत लग रही है, हाथ की सफाई चेक करें जैसे मशीन से ही इसकी लिपाई की गई हो। जॉनी घर में बोर फिर रहा है, मुझे देख रहा है और ऊपर आ रहा है। सारी शरारतें इसकी बच्चों वाली हैं, बच्चों की तरह पीछे पड़ा होता है। आ जाओ भाई आ जाओ, तू ना रह जावे। जॉनी अब जॉनी बुलाने पे आ जाता है ये। आजो नीचे चलें, आजो 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 आजो। आज के दिन बाकी खानों के साथ साथ मीठा बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हमारे किचन में आज मीठे में बन रहा है जी सूजी का हलवा। और मैं किसी काम से बाहर चला गया था, मैं घर आया हूँ तो इसकी खुशबू मुझे यहाँ लेके आई है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आज के व्लॉग शाम ढलने से पहले पहले हम एंड कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है हमने तैयारी भी करनी है शबे बारात की, और आज की रात थोड़ी सी मसरूफ़ रात होगी इसलिए जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करेंगे। और आज के व्लॉग में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।